Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे. तो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि हम लोग गए थे बीजिंग में. एक बिल्कुल सराउंडिंग एक ट्रिप जा रहा था जो कि हमने ज्वाइन किया था, जहाँ पर वो हमें लेकर जा रहे थे सिल्वर फॉक्स केव. ठीक है, जो कि एक केव था, बहुत ही ड्रावना टाइप का वो केव था, मैं आपको बताऊंगी. और उसके बाद हमने हॉन्टेड विलेज जो है वो विजिट किया, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 आवर के डिस्टेंस पर है. उसके बाद हम लोगों ने एक माउंटेन है, मैं माउंटेन का नेम भी आपको यहाँ पर लिख दूंगी, हम लोगों ने वहाँ पर भी क्लाइंबिंग की, हाइकिंग की, बहुत मजा. तो ये है जी हमारे एग्स और ये है जी हमारी ब्रेड एंड जैनिस के ऊपर जैम जो है उसको स्प्रेड कर रहे हैं. और ये हमारे दो एग्स हैं जिसको हम साथ लेकर जाएंगे. और शामी शामी हमारे पैक हो चुके हैं. ठीक है, ये शामी जैन ने 4 फ्राई कर दिए हैं. चलो भाई, मैंने क्लीनिंग कर लिया है, लेट्स गो नाउ. हाय जैन, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. तो जैन जो है वो रेडी हो चुके हैं, जैन ने अपना बैकपैक बिल्कुल रेडी कर लिया है और मैं अभी अपना बैकपैक लेकर गई हूँ, इसको मैं रेडी करने लगी हूँ. ये सारा सामान जो है मेरे बैग में आएगा. और ये मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, ऑलमोस्ट नो ऑलमोस्ट लाइक 100% रेडी हो चुकी हूँ. बस अब मैंने मास्क वेयर करना है और उसके बाद जाना है. तो मैं सारी चीज़ें इसके अंदर रखने लगी हूँ. पावर बैंक, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ये भी एक और पावर बैंक. माई क्यूट से एयरपॉड्स. और उसके बाद ये हमारा खाना. यार इज 5:50 राइट नाउ और हम लोग घर से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि हम लोगों को अपनी बस कैच करनी है, जो कि हम लोगों ने जहाँ पर टूर बुक कराया है. और वहाँ पर हम लोगों को पहुँचना है एग्जैक्ट 7:30 पर. राइट, नो 7:40. व्हाट, आपने मुझे 7:30 बोला था? चेक कीजिए इनको. ये आज भी मुझे सुबह सुबह बहुत जल्दी रेडी करके लाए, लाइक हमें 7:30 पर पहुँचना है, बस जल्दी जल्दी जल्दी. और आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, जैसे मैंने सोचा था ना कि हम लोग 5:40 या 5:30 पर घर से निकल पड़ेंगे, वैसा ही हुआ. या 5:40 पर ही मुझे घर से ले आए. अब हम लोग सबवे स्टेशन जा रहे हैं जो कि बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है. एंड आई एम सो एक्साइटेड. सो इट्स लाइक 7:30 और हम लोग अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें पहुंचना था. यहां पर और भी लोग देखिए वेट कर रहे हैं. सो आई थिंक मे बी ये हमारे ट्रिप के लोग हों. एंड या बहुत भूख लगी है हम लोगों को. वैसे तो ब्रेकफास्ट किया है लेकिन नहीं, भूख नहीं, प्यास लगी है. तो अब हम लोग जो है वो अपनी बस को फाइंड कर रहे हैं. इट्स लाइक 7:30 और आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक कोट नहीं पहना है. आई एम फीलिंग सो फ्रीकिंग कोल्ड. अभी तो माउंटेन के ऊपर हाइकिंग करनी है तो जैन कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा. सो लेट्स सी. तो ये है जी हमारी गाड़ी. सो हम लोग यहाँ पर बैठने लगे हैं. नहीं, इज ओके. उसके बाद आई वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि हम वहाँ पर पहुँच चुके थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हमने मास्क पहना हुआ है. जब हमारे गाइड ने हमें बताया कि ये है केव, हम लोगों ने समझा यार ये केव होगा, ऐसे जाना होगा और वहाँ से निकल आएंगे हम लोग. हमें नहीं पता था, हम लोगों ने थाईलैंड में एक केव जो है वो एक्सप्लोर किया था जिसका नेम था बाटू केव. इट वॉजेंट इवन दैट वॉज ह्यूज, बट जहाँ पर हम लोग गए हैं ना सिल्वर फॉक्स में, यू गाइस कैन सी इतना बड़ा. मतलब हम लोग चलते जा रहे हैं 10 मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स हो गए, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. तो ये केव जो है स्टार्ट हो चुका है. ठीक है Zen, आप एक्साइटेड हैं? Zen इज मेकिंग व्लॉग. Zen बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. यहाँ पर साइंस भी बने हुए हैं. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी स्लिपरी एंड चेक आउट द लाइट्स. Wow, it's going to be dark now. यार जितना ज़्यादा हम डाउन जा रहे हैं ना केव में, इट्स सो फ्रीकिंग कोल्ड.
एंड नाउ आई थिंक यू गाइस कैन सी अस. नो वाओ 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 दैट इज अमेजिंग. आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं. Wow, really? So cool. Great wall. So strange cave, I know. अब जो ये प्लेस थी यहाँ पर इन्होंने कहा कि अब आप लोग एक एक पर्सन जाएंगे, दो लोग यहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि इट वाज सुपर नैरो. और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इट वाज स्लिपरी एज वेल. तो हमने बड़ा देखकर जाना था और हम लोग बड़े ही ध्यान से जा रहे थे. और मैं सोच रही थी जिनकी बहुत लंबी हाइट होती है वो यहाँ पर से कैसे गुजरते होंगे. यार हम लोग कहीं गार में जाए जा रहे हैं और इट्स सुपर सुपर डार्क. और अभी भी ऐसे नीचे जा रहे हैं ऐसे. एंड नाउ आई विल शो यू रिवर. दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, चेक दिस आउट. सो फाइनली वी केम डाउन एंड हियर इज द थिंग. वाओ इट्स इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल. लाइक और इन्होंने बताया इट्स ऑल नेचुरल. चेक दिस आउट यार, सो ब्यूटीफुल. वाओ यार दिस इज द मास्टरपीस. जैसे तो हमने देखा था बाटू केव इन थाईलैंड, रिमेंबर? वी सॉ बाटू केव इन थाईलैंड, राइट? इस तरह से था वो कुछ. बट चेक दिस आउट, वाओ इट्स इनक्रेडिबल. दिस इज रियली ब्यूटीफुल मैन. ये जो ऊपर फिर से वो स्टीप स्टार्ट हो रहा है. स्टीपी अगेन. हाउ दा या एंड बी केयरफुल फ्रॉम हियर. दैट्स आवर टूर गाइड. नाउ वी हैव टू अरे कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं. अरे क्या मजा आ गया, हम लोग इधर से आके और अब इधर से वापस जा रहे हैं. ये देखें इधर से आ रहे हैं. थे जब हमने ये सुना कि हम अंडरग्राउंड रिवर जो है वहां पर हम बोट राइडिंग भी करेंगे. आई वाज लाइक ओ वाओ दैट वुड बी अमेजिंग. उसके बाद जी हम लोग वहां पर पहुंच गए. फाइनली रिवर जो है वो आ चुका है. सुपर वेट अगेन. इट्स बीन मोर देन 40 मिनट्स नाउ. इट्स सो ह्यूज, इट्स सो बिग. और अभी हम लोग जस्ट वन रूट ले रहे हैं. देयर आर सो मेनी डिफरेंट रूट्स एज वेल. हम लोग अब बोट में बैठने लगे हैं.
मजे की बात है, ओनली ही इज वेयरिंग लाइफ जैकेट, वी आर नॉट। लगता है हमारी बोट फंस चुकी है यहाँ पर। वी आर नॉट मूविंग। ओके नाउ वी आर मूविंग। वाओ दिस इज सो डीप एंड क्लियर। सी वाओ यस वाओ। फोर्टी फाइव मिनट्स नीचे जाने के बाद और वो रिवर की राइड लेने के बाद नाउ वी आर गोइंग बैक। ओके सो हियर कम्स द ब्यूटीफुल थिंग, दे कलेक्टेड इट फ्रॉम वाटर, इट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, सीम्स लाइक अ कैट, फरी कैट। आई मीन द शेप इज लाइक पिज़्ज़ा, सो लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। यहाँ पे ये पुराने जमाने की ओल्ड ट्रेन भी है। वाओ लुक एट दिस। हम लोगों ने इतनी वॉक की है कि लाइफ में कभी इतनी नहीं की सीरियसली। Zen is like, I can't walk now. Yes, please check me. और अभी तो हम माउंटेन लाइट जा रही हैं। और अभी हमें माउंटेन हाइकिंग करनी है। रिवर से विजिट करने के आने के बाद उन्होंने हमें बताया कि अब हम लोगों को हाइकिंग करनी है, मतलब पहले हमने हाइक डाउन किया और उसके बाद हम लोगों को ऊपर जाना था। एंड आई वॉज सुपर सुपर टायर्ड। नाउ इट्स टाइम फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। एवरीवन इज डाउन देयर। पता नहीं अब कितनी टॉप पर हमें जाना है, शायद वहाँ जाना है हमें। द सीनरी एंड एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। और अब हाइकिंग करके इतनी गर्मी लगी है कि आई रिमूव्ड माई कोट, जस्ट हाइकिंग कर रहे हैं। चेक आउट द ब्यूटीफुल सीनरी। वाओ सो वी हैव टू गो ऑल द वे अप देयर। You can take a short break. Here is a pavilion too. Okay. You have to understand. Okay, I got it. Now we are going all the way from here. Us wale pavilion ke upar. Finally. So tired. Zain is so tired. हम लोग पहुँच गए यहाँ पर. But it worth the view. अभी हम लोग इसके ऊपर जाएंगे. And then we will take picture. But look at this. We are on the top. Wow. वहाँ माउंटेन से वापस आने के बाद हम लोगों को इन्होंने बताया कि अब हम लोग जा रहे हैं हॉन्टेड विलेज का विजिट करने के लिए। आई वाज सुपर एक्साइटेड, डर भी लग रहा था। खैर हम लोगों ने आयदर कुर्सी वगैरह पढ़ी, हम लोगों के साथ इंडियन थे दो भाई और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, आपने देखा है। तो उसके बाद हम लोग जब गए हैं उस वाले विलेज में, वहाँ पर दो से तीन स्टोरीज जो थी वो लोगों ने बनाई हुई थी। एक तो ये कि यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर आया था जिसकी वजह से सारे के सारे लोग जो उस टाइम में विलेज में थे वो सब लोग विलेज छोड़कर एक ही दिन में उनको जाना पड़ा। दूसरी स्टोरी उन्होंने ये बनाई हुई थी कि यहाँ पर अचानक से पानी जो है वो ख़त्म हो चुका था। पानी जो है वो अचानक ख़त्म हो चुका था तो उन लोगों को सबको एकदम से पूरा विलेज छोड़कर जाना पड़ा। और जो थर्ड स्टोरी है वो ये कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर था और दिस वॉज हॉन्टेड, जिसमें लोगों को अजीबोगरीब तरह की आवाज़ आती थी, लोगों की चीज़ें गुम हो जाया करती थी और लोग यहाँ पर डिफरेंट लोगों को देखा करते थे और ख़ुद ब खुद आग लग जाया करती थी। दैट्स वाई उन लोगों को, विलेज वालों को, ये गाँव छोड़कर जाना पड़ा। राइट नाउ वी आर इन एंशियंट विलेज ऑफ चाइना और हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खा रहे हैं। जैन ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया खाना और हम लोग खा रहे हैं। And a little bit tired, right? Yeah. It doesn't look so bad, you know, it looks like it's withering.
हनी वी आर गोइंग टू गो इनटू द हाउस नाउ गाइस। इस प्लेस पर बहुत सारे जिन हैं ये लोग कहते हैं, और इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये प्लेस जो है इट वाज हॉन्टेड और इट इज हॉन्टेड। सो वी आर हियर इन डे टाइम, लेट्स गो। आर यू स्केयर्ड? अ लिटिल बिट, बट इट्स फाइन। लिटिल बिट, ओके लेट्स गो। वाओ यार, आई थिंक दूसरी पढ़ रहे हो। मैंने पढ़ी है, लेट्स गो। देयर इज नथिंग, इट्स लाइक बॉटल्स एंड ओह नथिंग, सो दे सेड इट्स देयर बेड। और यहाँ पर ये लोग कुछ इसको बेड को गर्म करने के लिए फायर पुट करते थे, और पूरा बेड ये वाली प्लेस से गर्म हो जाया करती थी। वाओ कूल। सो यहाँ पर ये देखिए बी हाइव्स, इन्होंने यहाँ पर जो हनी होता है उसको उसके लिए सारी की सारी बीज रखी हुई हैं। और जो बीज हाइव्स जो होते हैं ये देखिए, दे आर मेकिंग हनी हियर। तो इससे पहले ये मुझे काटें और यहाँ से मैं भागती हूँ। यस यू कैन सी, लेट्स गो। हाय, दैट्स गुड। ओके जी, तो टूर हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है, सब लोग चले गए हैं, और अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और हम लोग जा रहे हैं लिटिल लाहौर खाना खाने के लिए। तो हम यहाँ से टैक्सी लेने लगे हैं, एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सन। सो या वी आर जस्ट गोइंग नाउ, बहुत भूख लगी है, राइट? माशाल्लाह यार, जंगल के पास इतना रश हुआ है, इतना रश हुआ है कि आज हम लोगों को बाहर बैठना पड़ा है, अंदर कोई प्लेस ही नहीं है। एंड अंकल ने बोला अगर आज के बाद आप लोग यहाँ पर आए ना तो आप लोग पहले बुकिंग कराइएगा, रिजर्वेशन करवा लीजिए। या आपने भी करवानी है? अच्छा, आपने करानी है। अच्छा, एक बंदे की होती है। और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी पहली डिश आई है जो कि जैन की है। आई विल जस्ट टेस्ट ये ग्रेवी, आई कैन ईट ग्रेवी। ओके ओके, तो ये है जी हमारी मकई की रोटी, मक्की की रोटी, और साथ में यह है बीफ, और ये हैं जी मेरे पंजाबी छोले, और ये जैन का है जी वो थ्री टाइप्स का जो चिकन होता है ना वो भी आ गया है। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा। आप मुझे बताइएगा कि हम लोग इस तरह की और भी जगहें और भी प्लेसेस बीजिंग के सराउंडिंग में जितनी भी हैं वो एक्सप्लोर करें या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव, बाय।